हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप किस तरह से अपने बच्चों की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं कर्सिव राइटिंग के थ्रू। कहते हैं ना कि एक तीर से दो निशाने, आज इस वीडियो में वही होने वाला है। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले तो हम कर्सिव राइटिंग में बच्चों को सबसे पहले इस तरह के उनका हैंड फ्री होना बहुत जरूरी है। इस तरह के कर्व्स पे पहले हम प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों को, इस तरह के कर्व्स पे। आप देख सकते हैं किस तरह से पेंसिल राउंड हो रही है। उसके बाद इस तरह से भी कर्व्स, उनका हैंड जो है पूरा खोलना चाहिए तभी वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। इस तरह के कर्व्स से उनकी हैंड मूवमेंट अच्छी होगी। अब उसके बाद इस तरह से जिगजैग, छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फिर भी अगर हम 2-3 टाइम उनको प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो इस तरह से फ्लोरेंस में लिखना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से फिर स्मॉल में उनको करवाएंगे। आप देख सकते हैं कभी कभी हमारा भी थोड़ा सा खराब हो जाता है। उसके बाद इस तरह से स्मॉल जिगजैग, इस तरह से प्रैक्टिस करवाने के बाद हम बच्चों को इस तरह कर्सिव ए में ए, आप देख सकते हैं बी, इस तरह सी, इस तरह प्रॉपर लाइन में एबीसीडी की प्रैक्टिस करवाएंगे हम। जब इस तरह से प्रैक्टिस हो जाए बच्चों की एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे इस तरह से, उसके बाद हम फ्रेंड इस तरह की वर्कशीट पे आते हैं। हम बच्चों को इस तरह 2-2 लेटर्स को जोड़कर लिखने के लिए बोलते हैं, ए बी एब। आप चाहे एब के बाद ए बी सी, इस तरह से 3-3 लेटर भी दे सकते हैं, ए बी सी डी, फिर उसके बाद ए बी सी डी ई एफ। आप देख रहे हैं कि मैंने पेंसिल को नहीं उठाया है, पेंसिल बिल्कुल एक साथ फ्लुएंस में जा रही है जब तक हमारा लेटर खत्म ना हो जाए। उसके बाद इस तरह की प्रैक्टिस आप बच्चों को इकट्ठा लिखने के लिए दे सकते हैं जिससे कि उनकी राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट होगी। आप देख सकते हैं जी एच आई जे के एल, मैंने इनके ऊपर डॉट भी जब ये फिनिश हो गया उसके बाद डाले हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन आ गया यहाँ पर। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। देखिए फ्रेंड, इसी तरह मैंने जब फिनिश हो गया उसके बाद उठाकर यहाँ पर डॉट्स बनाए हैं। उसी तरह आप 2-2 लेटर्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या आप अगर चाहें तो सिंगल सिंगल लेटर्स को भी ऐड करके उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह बच्चों की राइटिंग भी इम्प्रूवमेंट होगी और आप देख सकते हैं कि ये कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है और बच्चों को फ्लुएंस में भी लिखना आएगा। इस तरह बच्चों को प्रॉपर इसके बाद वर्ड्स बनाने आएंगे जो कि यहाँ पर, इसके बाद बच्चों को इस तरह से वर्ड्स करवाए जाते हैं, मैट कैट। इस तरह बच्चों को 2 लेटर वर्ड्स के बाद इस तरह 3 लेटर वर्ड्स भी बनाने आएंगे। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगी है, हेल्पफुल लगी है बच्चों के लिए, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।